ये लीजिए मेम साहब। कितने पैसे हो गए? 200 रुपये मेम साहब। 200 रुपये? 50 रुपये दूंगी मैं तो। मेम साहब ये बहुत बढ़िया सामान है, हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। तुझे 50 रुपये में सामान देना है या नहीं ये बता पहले। नहीं मेम साहब देना तो है पर अभी देख कैसे 200 रुपये का मैंने 50 रुपये में सामान ले लिया, अब इसको 50 रुपये भी नहीं दूंगी मैं। वो कैसे? अभी देखती जा क्या क्या करती हूँ मैं। अरे मेम साहब मेरे पैसे तो देते जाइए ना। अरे दे रही हूँ ना, रुक जा। अरे मेम साहब आपने तो स्कूटर चालू कर दी, मेरे पैसे दे दीजिए। पैसे चाहिए तुझे? अब ले ले पैसे। अरे मेम साहब आ जा। मेम साहब मेरे पैसे देते जाइए। मेम साहब मेरे पैसे देते जाइए। मेम साहब। मैडम जी नमस्ते, आपने मुझे पहचाना? अरे एक दिन में इतने भिखारी मिलते हैं, किस किस को पहचानूंगी, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। नहीं नहीं मैम साहब, आपने वो कुछ दिन पहले मेरे से झाड़ू वगैरह सामान खरीदा था ना, उसके पैसे नहीं दिए थे, वही पैसे लेने के लिए आया हूँ, पैसे दे दीजिए ना। अच्छा तो मतलब तू ये कहना चाहता कि मैं चोर हूँ, है ना? नहीं नहीं मैडम जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। देखिए मैडम जी हम बहुत मुश्किल से कमाते हैं, आप पैसे दे दीजिए ना। ज़्यादा ना दिमाग खराब मत कर मेरा, एक तो तुम लोग ये सस्ती चीज महंगे रेट में बेचते हो, ऊपर से मुझे बोल रहा है। नहीं मैडम जी हम चोर नहीं हैं, हम अपनी रोजी रोटी बहुत मेहनत से कमाते हैं। मैम साहब पैसे दे दीजिए ना। चल ज्यादा दिमाग खराब मत कर, एक काम कर, एक प्लास्टिक की टोकरी और एक झाड़ू लेकर आ, सारे पैसे एक साथ दे दूंगी मैं। अभी लेके आया। ये लीजिए मैम साहब, ये लीजिए मैम साहब, ये मिला के 500 रुपये हो गए, अब तो दे दीजिए पैसे। अरे दे दूंगी ना पैसे, डेली आती जाती रहती हूँ मैं यहाँ से, आज भी आई ना, अब कल दे दूंगी पैसे। चल नहीं नहीं मैम साहब आज ही पैसे दे दीजिए, देखिए हमको तो रोज़ कमाना होता है, रोज़ ही खाना होता है। मैम साहब अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैम साहब तेरे समझ नहीं आ रहा है, मैंने बोला ना कल पैसे दे दूंगी और सारे पैसे एक साथ दे दूंगी, अब जाए यहाँ से। मैम साहब मेरी बात तो सुनिए। मैम साहब देखा कैसे पैसे बचा लिए मैंने शॉपिंग के लिए, ऐसे ही तो पैसे बचाती हूँ मैं, तभी इतनी सारी शॉपिंग करती हूँ, मानती है ना मुझे? हाँ दीदी आप तो कमाल हो, मैं भी नेक्स्ट टाइम से ऐसे ही ट्राई करूँगी। चल अब चलते हैं शॉपिंग करने। मे आई कम इन मैम? यस कम इन। गुड आफ्टरनून मैम, मैम मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, मुझे मेरी सैलरी कब तक मिलेगी? ना ही आपकी असिस्टेंट मुझे कोई रिस्पांस दे रही है और ना ही कंपनी की साइड से मुझे कोई रिस्पांस मिल रहा है। मैम प्लीज आप मुझे ये बता दीजिए कि मेरी सैलरी कब तक मिलेगी मुझे। आपको आपकी सैलरी कुछ दिनों में मिल जाएगी। मिल जाएगी लेकिन मैम कब तक मिलेगी, एक डेट तो बता दीजिए मुझे। मैंने आपको कहा ना आपको आपकी सैलरी मिल जाएगी, आप प्लीज जाइए और मुझे डिस्टर्ब मत करिए। मैम लेकिन आप ये गलत कर रहे हैं मेरे साथ। मैम मैं बहुत परेशान हो रही हूँ और ये हक के पैसे मेरे, इस कंपनी के लिए बहुत मेहनत करी है मैंने। हक के पैसे? और जब उस ठेले वाले ने अपने हक के पैसे मांगे थे तब क्या कहा था तुमने कि कल आना? और जब तुम्हें तुम्हारे हक के पैसे चाहिए तब सिर्फ तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं और उसकी प्रॉब्लम्स का क्या? मेम साहब मेरे पैसे देते जाइए। मेम साहब मुझे तो शर्म आती कि तुम जैसे लोग मेरी कंपनी में काम करते हो, क्योंकि इतने बदतमीज और इतने बिगड़े हुए हैं। तुम्हें पता भी है वो 100-200 रुपए कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, और इतनी मेहनत करने के बाद तब जाके उनको वो 100-200 रुपए मिलते हैं, और वो 100-200 रुपए भी तुम लोग मार लेते हो। तुम जैसे लोगों को तो शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर। सॉरी मैम गलती हो गई मुझसे। सॉरी तुम्हें मुझसे नहीं, सॉरी तुम्हें उनसे कहना चाहिए जिनके साथ तुमने गलत किया। और हाँ तुम यही सोच रही होगी ना कि मुझे सब कैसे पता चला, मैंने उस दिन सब देख लिया था कि तुम कैसे उस ठेले वाले को परेशान कर रही थी और उसके हक के पैसे मार रही थी। और हाँ तुम्हारी नॉलेज के लिए ना तुम्हें एक और चीज बता दूं कि अब तुम इस कंपनी में काम नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे तुम जैसी बिगड़ी हुई लड़की ना अपनी कंपनी में नहीं चाहिए। और तुम लोगों के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए, तब जाके तुम लोगों का एहसास होता है कि तुमने क्या किया है। सॉरी मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैम मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद मैं ऐसा किसी भी इंसान के साथ नहीं करूंगी, लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए प्लीज मैम मुझे इस जॉब से मत निकालिए। सॉरी तुम मुझसे नहीं, सॉरी तुम उनसे कहो जिसके साथ तुमने गलत किया है। चलो जाओ यहाँ से। सॉरी मैम। गेट आउट। अंकल जी नमस्ते। अंकल जी नमस्ते। मैम साहब अंकल जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी करी, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था, पता नहीं मैंने क्यों मस्ती मजाक में वो सब किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। और मैं प्रॉमिस करती हूँ अंकल जी आज के बाद मैं ऐसा किसी भी इंसान के साथ नहीं करूँगी।
अरे नहीं मैम साहब, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये क्या कम है क्या? अंकल जी जी, ये लीजिए आपके पैसे। शुक्रिया मैम साहब। सॉरी अंकल। जीती रहो। सबसे पहले तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए, और साथ ही ये भी कमेंट कीजिए कि आपको ये स्टोरी, ये मॉरल कैसा लगा है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो लोगों के साथ मिसबिहेव करते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं। कभी भी किसी के साथ मिसबिहेव ना करें, बदतमीजी ना करें, हमेशा सबका सम्मान करें, सबकी रिस्पेक्ट करें, और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें जो मैसेज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारे वीडियोस में आए तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं एक अच्छे से मॉरल के साथ। तो जल्दी से अपनी स्टोरी मुझे भेजिए, और हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।